हेलो फ्रेंड्स मैं हूं महेश गुर्जर प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर चलिए अब तक जितना थियरिटिकल कंसेप्ट सीखा है हमने उसके बेस पे हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो आज के प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है डिक्लेयर वेरिएबल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद क्या करेंगे हम स्टोर वैल्यू एंड डिस्प्ले ठीक है तो पहले यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसका सिंटेक्स क्या है सबसे पहले वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है वो डेटा टाइप पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा एंड वेरिएबल नेम ठीक है तो मान लो कि हमें मैथ साइंस और इंग्लिश की वैल्यू को स्टोर करना है और इसके अंदर नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करनी है तो इसका डेटा टाइप आएगा इंटीजर स्पेस वेरिएबल का नाम मैथ्स सेमी सेमिकॉल देन अगेन इंटीजर साइंस इंटीजर इंग्लिश अब देखो यहाँ पे ये जो तीनों वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है ठीक है तो सेम डेटा टाइप है तो हम सिंगल लाइन में भी ये डिक्लेयर कर सकते हैं इंटीजर मैथ्स कॉमा साइंस कॉमा इंग्लिश अगर डेटा टाइप चेंज है तो हम अलग लाइन में लिखेंगे सपोज फ्लोट परसेंटेज, कैरेक्टर, ch. तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन स्टाइल। अब ये याद रखना है आपको कि जब भी नहीं कराते, तब तक वो के अंदर कोई रैंडम वैल्यू होती है तो हमें कोई रैंडम वैल्यू के साथ काम नहीं करना है हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू के साथ काम करना है तो वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा तो कैसे स्टोर कराएंगे सपोज मैथ्स इज इक्वल टू 90, साइंस इज इक्वल टू एंग्लिश इज इक्वल टू 50 या वॉट ठीक है अब पॉइंट वाली वैल्यू है तो कैरेक्टर सी ch. तो कैरेक्टर के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है कि जब कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं तो कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा सिंगल कोटेशन में हम स्टोर कराते हैं तो सिंगल कोटेशन के अंदर कोई एक सिंगल कैरेक्टर तो चलो यहाँ पे हमारे दो स्टेप कंप्लीट हुए हैं वेरिएबल डिक्लेयर हो गए उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई अब डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए कॉन्सेप्ट याद करो वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए कन्वर्जन कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है ठीक है तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराता हूँ डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट एप फंक्शन सेमी डबल कोटेशन स्टार्ट एंड स्टॉप मैसेज प्रोवाइड करेंगे कुछ भी सपोज वैल्यू ऑफ मैथ्स इक्वल टू अब यहां पर जहां ब्लिंक हो रहा है वहां पे एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करनी है तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए कन्वर्जन कैरेक्टर तो मैथ्स जो वेरिएबल है तो बैक्सलेस एन अब देखो कंपाइलर को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यह जो परसेंटेज डी है उसकी जगह पर कोई एक वेरियबल की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए तो हमारे पास तो चार पांच वेरिएबल है तो उसमें से कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करना है आफ्टर डबल कोटेशन कंप्लीट तो ये डबल कोटेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद कॉमा एंड देन वेरिएबल का नाम मैथ्स तो कंपाइलर क्या करेगा यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई किया है वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह पे कन्वर्ट कर देगा इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जन कैरेक्टर चलो सेम वे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ साइंस एंड इंग्लिश दोनों इंटीजर ही है तो मैं डायरेक्टली यहां पे समझाने के लिए वैल्यू ऑफ परसेंटेज प्रिंट करता हूँ इज इक्वल टू परसेंटेज एफ क्योंकि इसका डेटा टाइप फ्लोट है N, करके का नाम परसेंटेज सेम वे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ सी एच इज इक्वल टू कन्वर्जन कैरेक्टर आएगा परसेंटेज सी न्यू लाइन कॉमा सी एच ठीक है तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट अब इसी प्रोग्राम का हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले टर्बो सी स्टार्ट और फर्स्ट स्टेप हम क्या परफॉर्म करते हैं हम ड्राइव को माउंट करा देते हैं तो माउंट डी डी ड्राइव देन एग्जिट फाइल मेनू में जाके न्यू हैज इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एज मेन फंक्शन करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप देन क्लियर स्क्रीन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेव करने के लिए शॉर्टकट है एफ टू डी ड्राइव कोर्सिस प्लस प्लस को हटा देते हैं स्टार की जगह पे प्रोग्राम का नाम ले लेता हूं मैं वेरिएबल अब यहाँ पे टर्बोसी में एक रूल याद रखना है आपको जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे वो हमेशा क्लियर स्क्रीन से पहले डिक्लेयर करेंगे ऐसा ये रूल जो है वो सिर्फ टर्बो सी के अंदर है टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर नहीं है तो हमें क्या करना है क्लियर स्क्रीन से पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं मैं इंटीजर ए एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट बी एंड एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर सी एच चलो अब मैंने बताया कि जब तक हम वैल्यू को स्टोर नहीं कराते तब तक वेरिएबल के अंदर कोई रैंडम वैल्यू स्टोर होती है उसको हम गार्बेज वैल्यू भी बोलते हैं तो पहले हम गार्बेज वैल्यू को डिस्प्ले करा के चेक करते हैं तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्टार्ट स्टॉप वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यूलाइन डबल कोटेशन के बाहर कॉमा एंड वेरिएबल का नाम ए सेम वे वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू परसेंटेज एफ न्यू लाइन कॉमा करके बी एंड डबल कोटेशन स्टार्ट स्टॉप वैल्यू ऑफ सी एच इज इक्वल टू परसेंटेज सी न्यू लाइन कॉमा करके वेरिएबल का नाम सी एच अब ये जो इक्वल टू है उसको हम एक लाइन में अरेन्ज कर देते हैं सेव धैन एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल एफ नाइन अब देखो यहाँ पे क्या एरर है कुछ एरर है अनेबल टू ओपन include एस टी डी आई ओ स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे देखो एस टी डी डबल बार टी हो गया है उसको हटा देते हैं कंट्रोल एफ नाइन देन ऑल्ट एफ फाइव तो देखो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एट नाइन डबल जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो 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 वैल्यू ऑफ सी एच इज इक्वल टू कोई भी एक रैंडम कैरेक्टर है तो जब तक हम वैल्यू को स्टोर नहीं कराते हैं तब तक वेरिएबल के अंदर गार्बेज वैल्यू होती है हमें गार्बेज वैल्यू के साथ काम नहीं करना है कोई स्पेसिफिक वैल्यू के साथ काम करना है तो वैल्यू को स्टोर कराते हैं तो वैल्यू को भी हम स्टोर कब कराएंगे प्रिंट करने से पहले तो ए इज इक्वल टू सपोज हंड्रेड बी इज इक्वल टू सपोज टू पॉइंट फाइव एंड सी एच इज इक्वल टू एक कैरेक्टर एम लेकिन रूल क्या है जो भी कैरेक्टर को हम स्टोर कराएंगे वो सिंगल कोटेशन के अंदर स्टोर कराएंगे तो सिंगल कोटेशन स्टार्ट और स्टॉप के बीच में कैरेक्टर ठीक है अब फिर से कंट्रोल एफ नाइन एंड ऑल्टा तो देखिए वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू हंड्रेड वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव वैल्यू ऑफ सी एच इज इक्वल टू एम अब यहाँ पे देखे जो भी फ्लोट की वैल्यू है उसमें बाई डिफॉल्ट पॉइंट के बाद छह डिजिट आते हैं छह प्रिसीजन आते हैं तो वो डिजिट या तो प्रिसीजन को हम प्लस माइनस कर सकते हैं कैसे तो फ्लोट की वैल्यू कहाँ से प्रिंट होती है ये परसेंटेज एफ के थ्रू प्रिंट होती है तो इसके बीच में परसेंटेज और एफ के बीच में हमें करना है पॉइंट पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए तो दो डिजिट चाहिए तो पॉइंट टू एफ ठीक है अगर आपको थ्री डिजिट चाहिए तो पॉइंट थ्री चाहिए तो पॉइंट अभी हम क्या प्रिंट कराते हैं पॉइंट सेव देन कंट्रोल एफ ऑल्ट F5. तो देखिए वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट के बाद दो डिजिट प्रिंट तो फ्रेंड्स इतना प्रैक्टिस कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन